हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका हम प्रोडक्शन भी देखेंगे और आज यूजेस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा। तो ये इसका एक कॉमन नेम है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका IUPAC नेम है, जनरली लोग IUPAC भी बोलते हैं, और कास्टिक सोडा क्या है, इसका कॉमनली यूज नेम है। इसका केमिकल फॉर्मूला हमें पता है क्या है, NaOH। तो हम आगे देखते हैं इसका प्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए हमें रॉ मटेरियल जो चाहिए होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बेसिकली वही है जिसे हम कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट बोलते हैं, NaCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज़ कॉल्ड ब्राइन। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH को बनाने के लिए NaCl की ज़रूरत पड़ेगी, और NaCl का करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस, और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये पूछा जाता है व्हाट इज़ ब्राइन। तो इसका आंसर होगा कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ नोन एज ब्राइन। तो अब देखिए इसका प्रोसेस कैसा होगा। सोडियम क्लोराइड हमने लिया, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाई, उसके बाद ये स्प्लिट हो जाएगा तीन चीज़ों में, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो देखते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड विच इज़ आर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट द कैथोड विच इज़ आर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ समझने की बात ये है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्लोरीन जो होगा वो एनोड पर रिलीज होगा, जबकि हाइड्रोजन जो होगी, हाइड्रोजन गैस, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर होगी। तो जनरली बच्चों को एनोड और कैथोड में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो इसको याद करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं कि A फॉर एनोड, तो AP के फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो एनोड जो है वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कैथोड, विच इज CN। कैथोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो यहाँ ये वाली चीज़ भी पूछी जाती है कि एनोड पे क्या रिलीज़ हुआ है और कैथोड पे क्या रिलीज़ हुआ है। अब हमें देखना है कि हमें जो फॉर्म करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बेसिकली कहाँ रिलीज़ होगा, कैथोड पर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज़ फॉर्म नियर द कैथोड। अब यहाँ पे इसका तीसरा सवाल जो यहाँ पूछा जाता है कि व्हाट इज़ क्लोर एल्करी प्रोसेस। तो द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इज़ कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। यानी कि इसे ऐसा क्यों कहते हैं इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली, क्योंकि क्लोर स्टैंड फॉर क्लोरीन, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन में वो क्लोरीन है, इसलिए क्लोर बोला जा रहा है। और एल्कली इसलिए क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कली है। हमें पता है एल्कली वो बेसिस होते हैं जो पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं। तो इस टॉपिक से हमने तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, व्हाट इज़ ब्राइन, व्हाट इज़ क्लोर एल्करी प्रोसेस, और तीसरा कि एनोड और कैथोड पे क्या रिलीज़ होगा और जो NaOH है वो कहाँ रिलीज़ होगा। अब देख लेते हैं एक बार। द थ्री यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन कॉल्ड ब्राइन आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ये हम बता चुके हैं। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लेते हैं। तो ये किस में यूज़ होता है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रेयन, हमें पता है ये चीज़, यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ पेपर, पेपर की मैनुफैक्चरिंग में यूज़ होता है, इट इज़ यूज प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। तो बॉक्साइट बेसिकली एल्यूमिनियम का ओर होता है, जो कि आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसको एल्यूमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन डी ग्रीसिंग मेटल, ऑयल रिफाइनिंग एंड मेकिंग डाइज एंड ब्लीचेस। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।